हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने इन्फिनिक्स नॉट 40 प्रो एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में आप अपने मोबाइल फ़ोन के साइड वाले पावर बटन को दबाए बिना फ़ोन को है ना रीस्टार्ट कैसे कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, मोबाइल फ़ोन के ना साइड वाले पावर बटन को दबाए बिना फ़ोन को रीस्टार्ट किया जा सकता है। कैसे? इसके लिए आपको मोबाइल फ़ोन का सेटिंग का पेज ओपन करना है। सेटिंग के इस पेज में आपको नीचे आना है। नीचे आपको ये ऑप्शन मिलता है स्पेशल फंक्शन, इसे आपको टैप करना है। ठीक है, इसका अगला पेज आता है ये वाला। इस पेज को आपको थोड़ा ऊपर करना है, तो आपको नीचे ऑप्शन दिखेगा सबसे नीचे एक्सेसिबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी पे टैप करना है। इसके अगले पेज में आपको ये सबसे ऊपर एक्सेसिबिलिटी मेन्यू का ये ऑप्शन टैप करना है, एक्सेसिबिलिटी मेन्यू। ठीक है, अब देखिए इस पेज में आपको ना नीचे ये एक्सेसिबिलिटी मेन्यू शॉर्टकट के सामने वाले इस बटन को टैप करके ऑन करना है। तो देखिए, इस बटन को टैप करके ऑन करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि जैसे मैं बटन को टैप करके ऑन करूंगा ना, तो मेरे मोबाइल फोन के सबसे नीचे बॉटम साइड पे यहां पे कोने में ना एक्सेसिबिलिटी मेन्यू का एक बटन आपको यहां पे दिखाई देगा। ठीक है, तो देखिए इस बटन को टैप करते हैं तो आपका एक पेज आता है। इस पेज को आपको अलाउ करना है, अलाउ। ठीक है, तो आपका ये पेज आ गया, इसे आपको गॉट इट का ये ऑप्शन टैप करना है, तो आपका ये बटन ऑन हो जाता है। और देखिए बॉटम साइड पे ये एक्सेसिबिलिटी मेन्यू का ये बटन दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो देखिए ये बटन आपका जो है ना फोन की स्क्रीन पे देखिए सभी जगह आपको दिखाई देगा। इसका इस्तेमाल आप कभी भी किसी वक्त आप कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको करना यह है कि एक्सेसिबिलिटी मेन्यू का जो शॉर्टकट बटन है इसे टैप करना है। आपका ये छोटा सा पेज ओपन होता है। इस पेज को आपने लेफ्ट और राइट ऐसे स्लाइड कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको और भी ऑप्शन दिखाई देते हैं। ठीक है, अब देखिए इस पेज में आपको ये पावर का ये ऑप्शन है, पावर पर टैप करना है, तो आपका इस तरीके से पेज आता है। इस पेज में आपको रीस्टार्ट का ये जो ऑप्शन है इसे आपको उंगली से दबा के रखना है। ठीक है, इससे आपका फोन जो है ना वो ऑटोमेटिक स्विच ऑफ हो गया, ऑटोमेटिक स्विच ऑन हो जाएगा, यानी कि आपका फोन रीस्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये एक तरीका है मोबाइल फोन के साइड वाले पावर बटन को दबाए बिना फोन को रीस्टार्ट करने का तरीका। तो आज की इस वीडियो में दी हुई जानकारी अच्छी लगी तो इस सेटिंग का आप अपने फोन में यूज करके देखिएगा। ठीक है।